हेलो बच्चा पार्टी, माय नेम इज युवराज सिंह एंड आई एम नॉट अ क्रिकेटर। आज मैं आप सभी को लेकर जा रहा हूँ अपने किचन में, और अपने किचन में मैं आप लोगों के साथ क्या करने वाला हूँ, कुछ नहीं, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, और इस एक्सपेरिमेंट से मैं आपको बताऊंगा कि वेपर प्रेशर आखिर होता क्या है। चलिए फटाफट चलते हैं मेरे किचन में। बेसिकली किचन वहाँ है, लेकिन पूरा सेटअप हमने यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए, वेपर प्रेशर मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर दो सॉल्यूशंस ले रहा हूँ, ठीक है। दिस इज सॉल्यूशन ए एंड दिस इज सॉल्यूशन बी। दोनों के दोनों जो है ये वॉलेटाइल सॉल्यूशंस है। अब मैं क्या करता हूँ, इस ए सॉल्यूशन को यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये वो नहीं है जो कि आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। चलो, यहाँ डाल दिया। अब इस बी सॉल्यूशन को मैं इसमें डाल देता हूँ। चलो, वेरी नाइस। अब मैं क्या करूंगा, इस ए सॉल्यूशन को अपने इस पतीले में डाल देता हूँ, ठीक है। और ये जो बी सॉल्यूशन है, इसे भी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, ठीक है। दोनों सॉल्यूशंस को मैंने ऐड कर दिया है, और अब ये जो सॉल्यूशन बन के आया है, इसे हम लोग कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं हम इसे? बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन को हम लोग हीट करते हैं। चलिए फटाफट चलते हैं फिर हीट करने। चलो, तो आ गए हम लोग यहाँ पे, हीट करते हैं फटाफट, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन है, इसे हम लोग रख देते हैं, है ना, गैस के ऊपर। बटन कर देते हैं स्टार्ट, और इसे कर देते हैं ऑन, ठीक है। चलो, क्या करें, सूप बनाना है क्या हमें? नहीं, सूप नहीं बनाना है। चलो, ठीक है, सेट कर दिया है। इंक्रीज कर देते हैं हम यहाँ पर सारा का सारा, ठीक है। तो अब थोड़ी देर बाद ये बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ी देर बाद यहाँ पे जो लिक्विड है, ये जो लिक्विड आपको दिख रहा है, ये लिक्विड वेपर बनना शुरू हो जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पर इसे हीट सप्लाई करता हूँ, ये धीरे धीरे वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब वेपर बनने के बाद यहाँ पे क्या होगा, वेपर बनने के बाद धीरे धीरे ये जो वेपर्स हैं वो वहां पे अक्यूमुलेट हो जाएंगे, राइट। और अगर इस पतीले के ऊपर मैं ऊपर से एक लिड रख दूं, ठीक है, चलो लिड भी रख देते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा लिड है, ठीक है। तो ये देखो, मैंने लिड रख दिया यहाँ पर, यहाँ ये लिड मैंने रख दिया, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक क्लोज कंटेनर बना दिया, ठीक है। अब होगा ये कि जैसे जैसे ये लिक्विड वेपराइज होता जाएगा, उस लिक्विड के ऊपर यानी उस सॉल्यूशन के ऊपर वहां पर वेपर्स तैयार हो जाएंगे, राइट। अब जैसे जैसे ये वेपर्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो ये वेपर्स के वजह से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर उस सॉल्यूशन के ऊपर चला जाता है, ठीक है। और यही प्रेशर को हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। आई होप आपको समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।